दोस्तों नमस्कार। आज हम बताएंगे महत्वपूर्ण न्यूज उत्तर प्रदेश संबंधी। उत्तर प्रदेश में होने वाली है 47,000 दरोगा कांस्टेबल की भर्ती। न्यूज़ शुरू करें उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहें नई नई जानकारी से। इस वीडियो के नीचे ये लाल रंग का बटन है, उस पर जाके सब्सक्राइब करें और घंटे का आइकन भी दबाना नहीं भूलें। तो न्यूज़ ये है, ये न्यूज़ है यूपी की, उत्तर प्रदेश की, और ये घोषणा की है मुख्यमंत्री ने। 47,000 दरोगा कांस्टेबल की भर्ती दिसंबर से ये भर्ती होगी, ये स्वयं मुख्यमंत्री का बयान है यूपी का। तो न्यूज़ आपको बताते हैं, हेडिंग बताते हैं इसकी टॉप कुछ बीच में से, कि योगी ने कहा है कि प्रदेश में ऐसा माहौल था कि बाहर के व्यापारी आने से डरते थे। अपराध का राजनीतिकरण और राजनीति का अपराधीकरण हो चुका था। हमारी सरकार ने अपराध से सख्ती से निपटने का प्रयास किया। आज पूरी दुनिया के व्यवसायी प्रदेश में निवेश के लिए इच्छुक हैं। निवेश होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रदेश की नौकरियों पर कभी उच्च तो कभी उच्चतम न्यायालय द्वारा रोक लगा दी थी। पारदर्शिता के चलते अब ऐसा नहीं होगा। प्रदेश में 47,000 पुलिस कांस्टेबल और उप निरीक्षकों की भर्ती दिसंबर माह से यानी कि दिसंबर महीने से कांस्टेबल और उप निरीक्षकों की भर्ती जो है प्रारंभ हो जाएगी। यह भर्ती जिले के आधार पर नहीं होगी। इससे पहले भर्ती जिले के आधार पर होती थी, लेकिन अब क्या होगा, यह भर्ती जिले के आधार पर नहीं बल्कि योग्यता के मानक पर होगी। भर्ती भ्रष्टाचार मुक्त होगी। 1,76,000 शिक्षकों की भी भर्ती की जाएगी। शिक्षकों के लिए भी अच्छी न्यूज़ है। 1,76,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि देश की बड़ी आबादी नगरीय क्षेत्रों में रहती है, हम प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें बुनियादी सुविधा मिले। तो मेन पॉइंट तो था भर्ती संबंधी ये इतना ही कि एक तो ये भर्ती होने वाली है पुलिस की 47,000 की, और एक ये महत्वपूर्ण भर्ती है जो 76,000 1,76,000 शिक्षकों की भर्ती यूपी में होगी। ये घोषणा स्वयं मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई है।